टाइम बनाओ शेड्यूल बनाओ फिक्स योर टाइम कि कॉलेज से आ रहे हो तीन बजे आ रहे हो चार बजे आ रहे हो टेक अ ब्रेक ऑफ टू आवर्स शाम को छह बजे बैठो दो तीन घंटे स्ट्रेच स्ट्रेच पढ़ो मतलब छह से नौ पढ़ो एंड आई थिंक दैट दैट इज इज मैम एंड पता है हम दोनों भी कॉलेज में रहे हैं एंड वी नो कि तुम रोज कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर रहे हो right. ठीक है कॉलेज की पढ़ाई तो एग्जाम के एक दिन पहले ही होती है It's... और असाइनमेंट भी वो जो पेपर सबमिशन होता है हाँ जिसके लिए तुम बहुत लंबी छुट्टियां ले लेते हो क्लासेस से वो, वो भी तुम थोड़े दिन पहले ही करते हो yes. तो कहने का मतलब ये है कि देखो तुम अगर फोर्थ ईयर से स्टार्ट कर रहे हो अपनी तैयारी या फिर फिफ्थ ईयर में पहुंच चुके हो और तब स्टार्ट कर रहे हो अपनी तैयारी इफ यू आर इन एट सेमेस्टर और नाइन्थ सेमेस्टर एंड यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन तो ना आपके पास बहुत लंबा समय है जहां पे आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो एंड अच्छे से तैयारी कर सकते हो का मतलब कि आप कॉलेज को भी इक्वल टाइम दे सकते हो एंड प्रिपरेशन को भी दे सकते हो क्योंकि क्लैट की तैयारी या एलिट की तैयारी फॉर दैट मैटर डज नॉट टेक मोर देन टू देस मैक्सिम हाँ कॉलेज के साथ इफ यू आर डूइंग तो टू मंथ्स अगर ड्रॉप लिया हुआ है तो तो आराम से दो तीन महीने चार महीने में भी मतलब वेरी इजीली डूएबल है Haan. और कॉलेज के साथ भी देखो कॉन्सेप्ट्स तो आपने कॉलेज में पढ़े ही हैं यू जस्ट नीड टू रिवाइज दो यू जस्ट नीड टू मेक दोज कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर और लैंडमार्क जजमेंट्स आई एम श्योर की सबके कॉलेजों में पढ़ाते ही हैं यार ये ये जनरलाइज स्टडी जनरलाइज स्टेटमेंट है अच्छा ठीक है तो बट आई थिंक इवन इफ यू आर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट्स बाय योरसेल्फ आल्सो बट अगर आपने डेडिकेटेड टाइम दिया है लैंडमार्क केसेस पढ़ने के लिए या कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए इफ़ यू हैव मेड इट अ हैबिट तो आई थिंक मैम छः सात महीने में आराम से हो सकता है बहुत ईजीली हो सकता है पता है कॉलेज के साथ पढ़ने का एक अच्छा रीजन ये भी है कि तुम जो पढ़ रहे हो ना तुम तुम जिस डेप्थ में खुद से जाके पढ़ रहे हो वो तुम्हारे कॉलेज एग्जाम पक्का काम आएगा, आ, काम आएगा आएगा yes. डेफिनेटली तो तुम एक्चुअली एक प्रिपरेशन से दो तीन चीज़ों की साथ में तैयारी कर रहे हो तो इसीलिए क्लैट की तैयारी करनी है तो कॉलेज के साथ ही करो जब तुम्हारे एग्जाम्स आए तब पॉज ले लो तब क्लैट की नहीं पढ़ो मैं नहीं एडवाइस कर रही हूँ पढ़ने के लिए तब लोग जाओ सिर्फ कॉलेज की तैयारी करो सिर्फ कॉलेज पे फोकस करो और उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाए तो वापस लग जाओ शुरू से तो इस तरह से बैलेंस करके हो जाता है तो ऑल ऑफ लास्ट ईयर है यू हैव टू मिंगल फ्रेंड्स सब कुछ करो कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है बट इफ यू स्टिक टू दैट सेट ना कि इतना करना है वीकेंड पे ज्यादा टाइम एलोकेट कर दो तो बहुत ईजिली डुएबल है अलग से हाँ, मतलब ये बहुत जो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम कॉलेज के साथ टाइम नहीं मिल रहा इट्स अ फसाद ठीक है कॉलेज के साथ सबको टाइम मिलता है इतना हाँ, पढ़ सकते exactly, हो इतना टाइम आप निकाल सकते हो दो से तीन घंटा तुम फोन पे इंस्टाग्राम की रील्स देखते हो तुम तुम्हारी रील्स रिपीट होने लगी हैं हाँ, तुम इंस्टाग्राम खत्म कर चुके हो पढ़ सकते हो यू कैन यू कैन स्टडी फॉर दो इतना ही पढ़ लिया ना रोज दो घंटा भी कर लिया ना दो घंटा ढाई घंटा स्ट्रेच mm -hmm. कर लिया ना दैट इज मोर देन इनफ अगर इतना कंसिस्टेंटली कर पा रहे हो ना तो हो जाएगा एंड yeah. इसमें इस, इस तैयारी में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें कोई टीयर टू कॉलेज मिलेगा नहीं 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 इतनी तैयारी से इतनी इतना हाँ। अगर डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो ना इतना कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो टीयर वन कॉलेज भी मिल सकता है एंड इनफैक्ट पी एस यू भी मिल सकता है रा, राइट वाई नॉट वाई नॉट अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आ ही जाएगी तो यू कैन ईजिली गेट पी एस यू और जब ये पढ़ रहे हो तो एक लैंडमार्क जजमेंट्स भी साथ में पढ़ो थोड़ा लाइव लॉ बार एंड बेंच एस सी सी ऑनलाइन एस सी ओ इन सबको थोड़ा बहुत पढ़ते रहो तो वो साथ में एक लीगल रीडिंग की हैबिट जब डेवलप हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके पेपर में भी रिफ्लेक्ट

तो उनका वेटेज कितना है देखो एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया दो क्वेश्चन आ गए तो और अल्टीमेटली आप अगर लीगली अपडेटेड हो तो पेपर पूरा लीगल अपडेट पे ही है कि कितना कितना आप आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को को समझते हो हो लॉ एनालाइज कर सकते दैट इज द एंटायर अप्रोच ऑफ द एग्जाम सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्मार्टली द एग्जाम इज ट्राइंग टू टेस्ट योर स्मार्टनेस कि हाउ लीगली स्मार्ट यू आर तो यू जस्ट हैव टू रिफ्लेक्ट योर लीगल स्मार्टनेस इन द एग्जाम एग्जैक्टली इतना कर लिया तो आई थिंक हो जाएगा आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो सोच रहे हैं कि क्लैट के साथ कॉलेज के साथ तो क्लैट नहीं दे सकते हैं और क्लैट और एलिट दोनों दे सकते हो ठीक है सो शेयर दिस वीडियो विद पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी और एलिट पीजी प्लीज लाइक दिस वीडियो यस एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल राइट नाउ क्लिक दैट बेल बटन राइट All right, guys, this is it from our side. Happy learning. Take care. Bye bye.